मोहम्मद खालिद मियाँ हमारे महल्ले के सोशल वर्कर हैं, जिनकी जानिब से मुहिम चलाई गई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों का लिहाज करते हुए उन्होंने मास्क का तमाम लोगों को तकसीम किए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम तमाम महल्ले वाले। आज हमने सैम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का कैंपेन रखा गया था, इसमें कई नौजवान ने पार्टिसिपेट किया और ये कैंपेन जो रिलायंस फंक्शन से लेके मोहम्मदी चौक तक जो हमने किया है, इसका मकसद ये है कि हमको ये कोरोना जैसी बीमारी से बचना है। ये पहला हमारा ये है। दूसरा ये है कि ये बीमारी जो है ये स्प्रेड होती है एक से दूसरों से, तो इसीलिए मास्क लगा के फिरना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर होटल्स होंगे और जहाँ पर दोस्तों से मिल रहे हैं, वो सभी लोगों से जब भी हम बात कर रहे हैं, मिल जुल रहे हैं, तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे हम खुद अपनी एहतियाती करते हैं। आज के हालात ऐसे हैं कि अपनी जान अपने हाथों में है। हम देख रहे हैं आज का माहौल कितना बद से बदतर होता जा रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन्स की कमी है, टैबलेट्स की कमी है। इससे हमको बचना है, ताकि हम अपनी हिफाजत करेंगे तो ही हम अपनी परिवार की जान बचा सकेंगे। तो इसीलिए ये कैंपेन का जो मूल आधार था यही था। और रही बात दूसरी, हमको 20,000 करोड़ का न्यू पार्लियामेंट जो बनाया जा रहा है उसकी आज हमको ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए, टैबलेट्स प्रोवाइड कीजिए और जो बीमार लोग हैं उनको सहूलत प्रोवाइड कीजिए, ताकि ये बीमारी हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में बढ़ती जा रही है। इससे फैमिली मेम्बर्स परेशान हो रहे हैं। और रही बात तीसरी, जो अहम बात यह है कि आप लॉकडाउन करना चाहते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट से हम ये बोलना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन का इरादा करें हैं या करने वाले हैं तो आप होटल में काम करने के बारे में सोचिए, आप लेबर कैटेगरी के बारे में सोचिए, सेंटरिंग काम करने वाले के बारे में सोचिए, जो लेदर का काम करते हैं उसके बारे में सोचिए, और जो साइकिल दुकान में काम करते हैं उनका सोचिए, और शटरिंग का काम करने वाला, ये सभी लेबर कैटेगरीज के बारे में आप सोच के डिसीजन लीजिए, क्योंकि कभी आप लॉकडाउन करेंगे तो इनकी माशी हालत ख़राब होगी। तो इसीलिए उनके अकाउंट में 15,000 रुपये आप डालिए, उसके बाद आप लॉकडाउन के बारे में सोचिए, क्योंकि ये गरीब तबका परेशान होगा। वार्ड नंबर 21 में सोशल वर्कर ने मास्क के बारे में जो बात की है, उन्होंने उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर